हम गरीब गुरबात लोग हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ गवर्नमेंट कटे लगी बारे इतना जुल्म हो रही हो, हम और किस दाना किस चला हम देखो इस कड़ी हम ना कम से कम 35 साल होने लगो है उस पर गवर्नमेंट की थी उस कड़ी हमने कहता ना उस कड़ी हम इतना खर्ची नहीं करा था इसको। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, करना बंद करो, बंद करो, जुल्म करना बंद करो। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं ज़िला गांधरबल के प्रांग इलाके में और गुजर बस्ती के नाम से ये इलाका मशहूर है। और आज ये लोग क्यों मजबूर लोग, आज से करीबन एक दो हफ्ते पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक ड्राइव चलाया और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है आप खुद देख सकते हैं इनका मकान यहीं पर बना है और इसके मकान के इर्द गिर्द जितनी भी इसकी दीवारें थी या इसकी तारें थी जो भी इसने अपनी ज़मीन की जो प्रोटेक्शन की थी उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से उखाड़ के रख दिया। इस शख्स का कहना है कि जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरे पास सिर्फ यही ज़मीन है, तो उनका कहना था कि लोग कहेंगे कि आपने इसकी जमीन क्यों नहीं उखाड़ी। क्या लोगों का कहना सही है या कानून का सही है? क्या कानून को मानेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या लोगों को देखकर किसी गरीब पर जुल्म ढाया जाएगा? अभी हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं, ज्यादा उनसे ही मजीद जानते हैं कि आखिर किस तरह से और किस तरह से वो जुल्म हुआ आपके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, आपका शुक्रिया यहाँ आने में। बिछड़ा हुआ इलाका है, पसमानदा इलाका है जनाब, तो मेरी गुजारिश ये है कि जनाब उखाड़ कर ये तार वार काट कर जंगलात डिपार्टमेंट ने पूछने के बगैर ना कोई नोटिस ना कोई पूछा, खुद मुख्तियार सब चमचे आके यहाँ पे अपनी खुद मुख्तियारी चलाते हैं। तो 50 साल से जनाब बना हुआ ये मकान, छोटे छोटे बच्चे जनाब, मैं कहाँ जाऊँ तो कहाँ, मैं खुदकशी करने पर मजबूर हूँ इस टाइम। तो LG इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से कि वो फौरी तौर कोई तहकीकात करे इस ज़मीन की। रोज़ी रोटी यहीं मेरी घास वोस यहीं निकलते हैं छोटे माल मवेशी के लिए, तो ख़रीद कर औकात नहीं है, मज़दूर आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जाएँ तो जाएँ कहाँ? गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना था। गवर्नमेंट कह रही है कि इनको हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया हुआ है, क्या आपने वो फाइलें भरी हुई है? फाइलें भरी वो भी रदी टोकरी में जनाब गई, कोई एकदम उस पर भी नहीं हुआ, सब फेंक दी उनने, तो कोई एकदम नहीं हुआ। पशु आए वो टीम वाले सब बाढ़ दरख्त काटे, 20 साल 25 साल के पेड़ लगे हुए थे वो उनने काट कर चला गए। आपने रोकने की कोशिश नहीं की, आपने नहीं कहा कि मेरा मकान यहीं पर है मेरे पास सिर्फ? जनाब मैंने कुछ बहुत कुछ कहा तो बहुत लोग थे, प्रोटेक्शन थी, जंगलात वाले थे, उन्होंने कुछ कहना माना ही नहीं, बोला लोग एतराज़ करेंगे इसलिए आपकी भी उखाड़नी ज़रूरी है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरी गवर्नर से यही गुजारिश है LG साहब से आपके माध्यम से कि इंसाफ किया जाए। आपको लगता है कि इंसाफ होगा या आपने कोशिश की थी दोबारा अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने की? फिर तार लगाने की जनाब मैंने कोशिश की थी तो आए जंगलात वाले कुछ 4-5 आदमी, बोला नहीं ये कभी नहीं हो सकता है, फिर फौरन आपके मकान को भी खतरा है, आप मकान भी हटाओ। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जनाब मेरे छोटे छोटे बच्चे सर्दी के मौसम में कहाँ जाऊँ, तो उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, माना कुछ नहीं। माँ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये कहना चाहें 50 साल हो गए मैंने बस्ती ना, आज मेरा निका निका बच्चा है जंगलात आड़ा आया दोस्तों में कि मेरी तार शार ना पटो, उन्होंने मेरी का ही नहीं मनी, फिर तार शार पट छट के चली गया था वो निका निका बच्चा ने देखिए चलो 50 साल हो गया, 2-3 लाख लग गया मैंने इस मकान के ऊपर, तो आज क्या मकान पटाऊँ क्या लेके मकान पाट के लेके चलूँ। आपने उस दिन कोशिश की थी रोकने की? रोकने की कोशिश करी थी वह उन्होंने नहीं मानी। जनाजी ने आपको बता दें कि जिस तरह से
प्रंग इलाके के जो नई बस्ती के लोग हैं वो उनका ये इल्ज़ाम है कि उनकी जो फॉरेस्ट एरिया में ज़मीन आ रही है उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव चलाया है जिसमें गरीब लोग हैं जिनका वहाँ पर मकान जो है वो काफ़ी समय से बनाया हुआ है और उनकी ज़मीन जो है खाली कराई गई है। इसी बीच आज बीजेपी के जो एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है यूटी के जुनैद अहमद खटाना साहब, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है और मज़ीद उनसे ही जानते हैं। जुनैद साहब, जिस तरह से लोगों ने कहा कि हमारे मकानों के इर्द गिर्द जो ज़मीन है उसको भी खाली कराया गया है, तो जिस तरह से आज आप यहाँ आए हैं तो किस तरह से देखते हैं? आरिफ साहब, शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ पे आज आया हूँ, ये प्रांग नई बस्ती जो है, यहाँ पे हमारे गुज्जर बकरवाल लोग हैं और ये कुछ लोग तो ऐसे 6 महीने नीचे चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग यहीं पे रहते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पाई हैं इस तरह की कि जैसे कि मकान आसपास मकानों के आसपास जो तार वगैरह लगी थी या फिर ऐसे दरख्त वगैरह वो खड़े गए हैं, तो इसमें हम डीएफओ साहब से मिलेंगे आज इंशाल्लाह, उनसे बात करेंगे। और इंशाल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी ना कभी जुल्म किया किसी पे, ना बर्दाश्त किया, ना करेगी, तो हम बात करके इनका मसला जो है हल करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है हुकूमत सब कुछ करा रही है और अगर जी हुकूमत ना कराती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या जरूरत कि वो इस तरह से आके बिना हुकूमत के सपोर्ट के यहाँ पर ड्राइव चलाए। तो जिस तरह से उन लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं आपकी हुकूमत से, तो क्या आप यहाँ पर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ख़ासकर एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या आपकी इस पर नज़र नहीं है या आप जो है डीएफओ तक भी उन तक भी आपकी पहुंच नहीं है और उन तक भी आप ये नहीं कह सकते कि इन गरीब लोगों पर जुल्म मत करें? देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। कुछ लोग हमारे एसटी के लोग हैं जिनके पास मालकी ज़मीन 60-70 कनाल ज़मीन है, 20-25-30 कनाल से अलावा अपनी मालकियत ज़मीन होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर आके जंगल को आबाद किया है और उन्होंने भी कम से कम यहाँ पर 50-50 कनालें ज़मीन जो आबाद कर रखी हैं, जबकि उनके पास मालकियत ज़मीन होते हुए। और कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, बस इसी पे सहारा गुजर बसर है। तो यहाँ पे होना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कोई गलत नहीं किया, उन्होंने अच्छा किया जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होते हुए फॉरेस्ट की ज़मीन को आबाद करके वो ऐशरत करते हैं, और कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास 10-20 मरले ज़मीन जो उन्होंने आबाद की है, तो उनकी वजह से गरीब लोगों को ये मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं डीएफओ साहब से इसलिए नहीं मिलने जा रहा हूं कि इनको आज़ाद छोड़ा जाए, इसलिए मिलने जा रहा हूं कि जो बेचारे बेबस और हकदार लोग हैं उनके साथ नज़रसानी की जाए, उन पर रहम खाया जाए, उनको उनकी जो उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है उनके साथ ना छेड़ा जाए, इस पे मैं उनसे बात करने जाऊंगा। बाकी जो बड़े लोग हैं यहाँ पे सरमायादार, उन्होंने यहाँ पे 100-100 कनाल ज़मीन आबाद कर रखी है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हक बनता है वो उनसे। साहब, जिस तरह से गरीब लोगों पर जिस तरह से उनके पास उतनी ही ज़मीन है, क्या हम आज ही चलें डीएफओ से और उनसे भी हम भी जानकारी ले लें कि आखिर इस तरह का ड्राइव क्यों चलाया जाए ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके? देखिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अभी तक एसटी कैटेगरी के लोगों के साथ बिल्कुल भी कहीं भी छेड़ा नहीं गया, जबकि लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लोग चाहते हैं जिनके पास नाजायज़ कब्ज़ा है वो छुड़ाया जाए, लेकिन उसमें ये ज़रूर देखना है कि जिसके पास है ही नहीं, 1-2 कनाल ज़मीन लेके वो एक आदमी अपना गुजर बसर कर रहा है, हम चाहेंगे कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। हम मिलेंगे, हम डीएफओ साहब से मिलेंगे, उसके अलावा हम अपने स्टेट प्रेसिडेंट हमारे चीफ जो हैं श्री रविंद्र रैना जी, हमारे ये एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन हुसैन साहब हैं, या फिर हमारे श्री अशोक कोल जी हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर पे नज़र रखे हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उन लोगों को परेशान ना किया जाए जिनके पास कोई सहारा नहीं, बस वो अपने वो कोठे बना के, मैंने अभी यहाँ पे देखा कुछ कोठे गिराए गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग तो फॉरेस्ट ज़मीनों में महल बना के बैठे हैं, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा, और जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके कोठे बने वो गिराएंगे। किसी हद तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी ये चूक है थोड़ी बहुत, उनको सुधारना चाहिए, इसमें हम इंशाल्लाह डीएफओ साहब से बात करेंगे और इनका मसला हल करेंगे। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि अभी हम यहाँ पर आए थे डीएफओ ऑफिस गांदरबल, लेकिन यहाँ पर जो डीएफओ साहब है वो आज फील्ड में है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने उनसे फ़ोन पर बात की और उनका क्या कुछ कहना है इस ड्राइव के हवाले से आप भी सुनिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी ओवैस साहब, जिस तरह से प्रंग इलाके या गांदरबल जिला के कई सारे इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ड्राइव चलाए गए हैं, तो खासकर प्रंग इलाके में नई बस्ती इलाका है, तो
तो वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ड्राइव चलाए गए। तो आज बीजेपी एसटी मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने वहां का दौरा किया था, तो हम भी वहां पे थे सर। तो मकामी लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मकान भी चढ़े हुए हैं, लेकिन आसपास में जितने उनके दीवारें थी या तारबंदी थी या दरख्त थे, वो काट के ड्राइव चलाया गया सर। तो इस हवाले से लोगों का कहना है, अगरचे हमने ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्लेम फाइल जो है वो भरी हुई है, अभी उस पर काम नहीं हुआ है, तो उससे पहले ये ड्राइव चलाना हमारे साथ नाइंसाफी है। जी सर। नहीं, एक चीज मैं आपके इसमें बताता हूँ कि जो भी लोग जिनका भी फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो एलिजिबल होते हैं, उनको अपना हक जंगल मिलना वो तो जायज है, वो तो मिल जाएगा, वो जी तो सर की बात है। और उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, आपको भी पता होंगे, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, एक लंबा चौड़ा सा एक एविडेंस लिस्ट होता है जी, जी। जिसके तहत जो है जब लोग अप्लाई करते हैं, क्लेम्स भरते हैं, तो उसमें फिर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच के बाद, रिकॉर्ड के साथ टैली करने के बाद पता चलता है कि वेदर बिल्कुल वो एलिजिबल, वो बंदा एलिजिबल है एफआरए के लिए कि नहीं है जी। लेकिन अगर कोई बंदा एलिजिबल है एफआरए के लिए और कहीं या तो खुद बस रहा है या काश्तकारी कर रहा है, और वो काश्तकारी भी जो एलिजिबिलिटी है एक्ट के तहत उसके हिसाब से आ रहा है, तो उसमें कोई हक नहीं है, वो मिलना ही मिलना है जी सर। तो इसमें जो इन्होंने फाइल, लेकिन हमारी 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 यही कोशिश होती है कि एफआरए की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा आके फिर जो है फॉरेस्ट लैंड पे इलीगल कब्जा कर ले। बिल्कुल सर। अब इसमें सर जो क्लेम फाइलें भरी हुई हैं सर, जब अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उससे पहले ये ड्राइव चलाना क्या नहीं, सही है? नहीं, वो तो है। देखिए, हम जो एंटी एनफोर्समेंट ड्राइव करते हैं उसमें बाजबता तौर से हमने उन एरियाज को बिल्कुल क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई करा हुआ है जहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है कि क्लेम्स आएंगी और आ सकती है जी। आपके वजह से मैं यही लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जिनको भी लगता है अपने अपने ग्राम पंचायत से हमें जो है यहाँ की जंगल मिलना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जी, तो उनको चाहिए कि वो ग्राम सभा बिठा के उसमें जो है अपने क्लेम दायर कर लें जी। देखिए, ये एक जो भी इसमें फॉर्म भी भरे जाते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत, वो सारा प्रोसेस जो है ग्राम सभा लेवल पे है। एफआरसीए कमेटी बनी है, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, वो भी यदि ग्राम सभा मेंबर्स के तहत ही बनी है, तो उसमें कोई ऑफिशियल होता नहीं है। तो ये सारा जो है ग्राम पंचायत का अपना एक काम है कि उनको जो है क्लेम्स रिसीव करके उसको प्रोसेस कराना है, और फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड टैली अप करके उस वक्त जो है हमारे जो ऑफिशियल है वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं उस प्रोसेस में, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जी सर। तो अगर मेरी यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द जितनी भी क्लेम्स हैं वो भर ली जाए और अपने एक ग्राम सभा की जाए। ग्राम सभा जब तक ना होगी तब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट की फॉर्म भरना या क्लेम भरना वो कोई मायने रखता नहीं है जी। तो ये जो पंचायत है, अगर इस पंचायत में एक ग्राम सभा करके वो जितने भी क्लेम्स आती हैं वो भर ले, तो फिर डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ा इजी प्रोसेस हो जाएगा उन क्लेम्स को जो है करना, जैसा भी जो भी प्रोसेस होगा। ठीक है। वैसे जो आपके कहीं पे अगर ड्राइव चल रहा है उसमें आपका किसी अगर गरीब को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उसका सर नोट? नहीं, अगर देखिए एक चीज है, अगर देखिए जब हम ड्राइव करते, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑलरेडी वो प्लेसेस आइडेंटिफाई है जहाँ से हमें क्लेम्स आने के इम्कान है और उनको हम ज्यादा छेड़ नहीं रहे जी। लेकिन अगर कहीं पे किसी का ऐसे है कि जंगल है लेकिन उससे निकाला गया है, तो कल को अगर वो क्लेम उसको मिलता है एफआरए में तो वो बाजार तो उससे वापस मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जी 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 सर। अब जहाँ पे ये लोगों का हुआ है वहाँ पे लोग, हमने खुद जाके देखा कि कुछ लोग हैं जो इसका राइट रखते हैं, तो उनके साथ ज्यादती हुई है, जुनैद साहब ने भी खुद भी देखा। अब उससे आप थोड़ा सा नोटिस ले लें जी। ये आपके और मेरे कहने से नहीं होगा, आपके मेरे कहने से नहीं होगा। हम किसी को देख के ये नहीं बता पाते हैं कि वाकई में उसको हकी जंगल मिलना है कि नहीं। जी जी। तो उसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यू ही हो जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा जी जी। वंस इट इज क्लियर तो फिर उसको तो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट मिलता है, तो फिर उस बेनिफिशियरी को उसमें कोई परेशानी है नहीं। सर इसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो आपकी तरफ से जो मेंबर चाहिए वो सर आपकी तरफ से मिल जाएंगे जब ये ग्राम सभा के बाद वो कमेटी बिठाए? देखिए एक चीज, इसमें एक प्रोसेस होता है, ग्राम सभा में ये फाइल्स भरते हैं, फिर एक कमेटी होती है ग्राम सभा में, वो ऑलरेडी बनी हुई है जी जी।
तो वो अपने लेवल पे जो है केसेस को वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे हमारे भी मुलाजिम और रेवेन्यू के भी मुलाजिम होते हैं साथ साथ जी जी। तो वो प्रोसेस जितनी जल्दी ये करा सकते हैं वो अच्छी बात है हमारे लिए भी है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि एक इनके जो हल्के पंचायत है उनको एक मॉरिटोरियम सेट करना चाहिए और ग्रेवेंस फाइल करनी चाहिए, उनको एक नोटिस निकाल के बाजरता तौर से लोगों को अपने लोगों को बताना चाहिए कि आपकी जो जो भी क्लेम्स हैं वो भर लीजिए। ओके। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।